नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर गेन करने के लिए लगभग 3.5 साल लग गया था। वहीं फेसबुक को 10 महीने, स्पोटिफाई को 5 महीने और आईफोन को 74 दिन लगे थे। और वहीं हाल ही में एक नया टूल आया है जिसे फेमस होने के लिए मात्र 5 दिन का टाइम लगता है। This is one thing. The arrival of something called ChatGPT, launched late last year, to bring the words of ChatGPT to life. ChatGPT, thank you for talking to me today. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready, because this promises to be the viral sensation. ChatGPT. You're welcome. I'm here to help answer any questions you may have, so feel free to ask. ChatGPT. दोस्तों, मार्केट में एक नया टूल आया है जिसका नाम है ChatGPT। ये जब से आया है पूरे मार्केट को पूरा हिला के रखा है। चलो, मेरा नाम है प्रमित कुमार राव, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मिस्टर कोचिंग टीचर। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, मार्केट में एक नया टूल आया है जिसका नाम है ChatGPT। ये जब से आया है पूरे मार्केट को पूरा हिला के रखा है। सारे डेवलपर्स, एम्प्लॉई सब डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा एक को कहा जा रहा है कि ये डेवलपर्स को, एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर सकता है, गूगल को भी रिप्लेस कर सकता है। ChatGPT एक ऐसा टूल है लगभग 5 दिन में 1 मिलियन यूजर कलेक्ट कर लेता है। ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो हमारे डीप लर्निंग कंसेप्ट यूज करके इसे बनाया गया है। बेसिकली ये हमारे भाषा को NLP के थ्रू समझता है और उसको प्रोसेस करता है। तो आइए समझते हैं NLP क्या है। NLP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर या मशीन इंसान की भाषा को अच्छे से समझता है और उस भाषा को बोलता भी है। NLP का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि NLP किसी कंप्यूटर या डिवाइस को इंसानी भाषा बोलने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो NLP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मशीनों के द्वारा इंसान की भाषा को समझने, एनालाइज करने और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा गूगल असिस्टेंस हो गया, हम अगर उसको किसी भी तरीके से पूछेंगे, किसी भी भाषा में पूछेंगे, तो हमारी वो भाषा को समझ करके इजी वे में आंसर करता है और उसको पूरे सर्वर से ढूंढ करके उसको NLP के थ्रू ही एक अपने ढंग में बना करके, इंसानी ढंग में बना करके उसे हमें वापस शो कराता है। यानी कि पूरा घूम फिर करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप अगर डेप्थ में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ChatGPT एक आर्टिफिशियल इनबिल्ट एक चैटबॉट है जो हमारे पूछे गए सवालों को एकदम सीधे ढंग से वो आंसर करता है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी इस आंसर का डेटा सही नहीं होता है, बट ये आंसर देता है, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। अगर आप ChatGPT से आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो इतना सीधे ढंग से वो आंसर करता है कि आपको ये पता नहीं चलता है कि आप सामने मशीन से बात कर रहे हो या किसी इंसान से बात कर रहे हो। बेसिकली हम ChatGPT में हम टाइप करके आंसर को पुट करते हैं और वो आंसर उधर से फैच करके हमें टाइप्ड फॉर्म में देता है। ये ChatGPT प्रीवियस डेटा को भी, पिछले क्वेश्चन को भी और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो एक दूसरे को इंटरलेट कर सकता है, इंटरलेट करके वो आंसर देता है। अगर आपने पहले पूछा हाउ टू बिकम अ डेवलपर तो वो 5 से 6 पॉइंट आपको दिखाएगा, और अगर आप नीचे लिखोगे मोर लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि पिछले डेटा की बात कर रहा है, यानी कि और भी नीचे पॉइंट वो दिखाने लगेगा। बेसिकली ये चैटबॉट एक OpenAI कंपनी द्वारा 15 नवंबर 2022 को ChatGPT को एज ए कंपटीटर ऑफ गूगल इसे रिलीज किया गया था। ChatGPT जिसका रिसेंटली अभी प्रीमियम वर्जन आया है जो $20 पर मंथ से ये स्टार्ट है, अभी भी इसको माइक्रोसॉफ्ट फंड कर रहा है। OpenAI कंपनी जो 2015 में आया था, जिसके फाउंडर थे एलोन मस्क और सैम अल्टमैन, फिलहाल में एलोन मस्क जो OpenAI कंपनी को छोड़ चुके हैं। ChatGPT की पॉपुलरिटी को देखते हुए गूगल ने भी अपना हाल ही में एक Bard AI नाम का एक अपना खुद का चैटबॉट निकाला है, जिसको रिलीज होते ही पहले ही डेमो में गूगल ने अपना 100 बिलियन गवा दिया। An error that cost 100 billion in market value to Google. Google's parent, Alphabet Inc., lost $100 billion in market value on Wednesday, February 8. Shares slid as much as 9%. And what caused this rout? Behold, Bard, Google's new chatbot, which is touted as the answer to ChatGPT. And Alphabet has lost $100 billion in market share after a mistake in its Twitter advertisement was revealed for its new chat AI called Brad, the chatbot giving an inaccurate answer. तो आपको क्या लगता है इस चैटबॉट के बारे में कौन जीतेगा, कौन किसका होगा सबसे तगड़ा चैटबॉट, हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, अगला वीडियो जो होने वाला है वो ChatGPT वर्सेस गूगल होने वाला है, यानी कि हम अगले वीडियो में एक ही क्वेश्चन को दोनों जगहों पे पूछेंगे और फिर देखेंगे किसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट निकल के आता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।